हमारी एक नहीं हजारों समस्या है। हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमको शिक्षा नहीं मिलती, हमारी नौकरियां खत्म हो चुकी है, मॉब लिंचिंग होता है, हजारों समस्या है, मगर एक समस्या हमको पता नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। और वो एक समस्या ये है कि हम लोग किसी भी समस्या का समाधान करने लायक खुद को नहीं बना पाए हैं। यदि हम लोग समस्या का समाधान करने लायक होते तो वोट कहां देना चाहिए, ये हमको समझ होती। और ये यदि हमको समझ होती तो जिन लोगों को हम वोट देते हैं, डर के मारे देते हैं, पैसे में देते हैं, लालच में देते हैं, हमारे एमपी और एमएलए करोड़ों में बिकते हैं, हम हजारों में बिकते हैं, और हजारों में बिकने के बाद में जब वो सत्ता में जाते हैं और सत्ता में जाकर वो अपनी विचारधारा को हमारे ऊपर थोपते हैं, और उनकी विचारधारा जो है वो है जातिवाद, वो है गैर बराबरी, वो है मुस्लिम द्वेष, वो है दलित द्वेष, ये आपके ऊपर थोपते हैं। और थोपने के बाद में हमारा जब मॉब लिंचिंग होता है, हमारी जब हत्या होती है, हमारे महिलाओं के ऊपर जब बलात्कार होते हैं, हमारी नौकरियां जब खत्म होती है, हमारी समस्या में बढ़ोतरी होती है, तो हम चिल्लाते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय खुद आप अपने ऊपर करने के लिए वोट के माध्यम से उनको आजादी देते हो, और बाद में जब वो 5 साल आपके ऊपर अन्याय करते हैं तो आप चिल्लाते रहते हो कि हमारे ऊपर अन्याय करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको अन्याय करने का लाइसेंस आप लोगों ने दिया है।